सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सिंपल रेसिपीज को और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबको मिलते रहें। और दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के कोई चार्ज नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स मेरे वीडियोस देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपके कोई भी सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज फिर हम कोई फुल रेसिपी आपके साथ में शेयर नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि कुछ अलग वीडियो आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं जो कि है किड्स क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों, यहाँ आप देख ही सकते हैं, यहाँ मेरे पास में एक सिंगल डोर कवर सिस्टम है जो कि नॉर्मली जो हमारा डबल डोर कवर सिस्टम होता है उससे काफ़ी छोटा है। और ऐसे मेरे पास में दो कवर्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे और एक फर्स्ट फ्लोर। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड फ्लोर पे डेली बेसिस का जो सामान रखती हूँ वो कैसे मैनेज करती हूँ ये मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास में चार शेल्फ्स हैं और कोई ड्रॉअर नहीं है, तो यहाँ मैंने बास्केट सिस्टम यूज़ किया है। फ्रेंड्स, और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं कपड़ों को अरेंज करने के लिए, जैसे कि हैंगिंग सिस्टम है, लेकिन मेरे पास में कबर्ड में यहाँ कोई हैंगिंग सिस्टम नहीं है इससे मैंने ये यूज़ नहीं किया है। दूसरा है ये लेयर सिस्टम, लेकिन जब हम छोटे बच्चों के कपड़ों की बात करते हैं तो कपड़े बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जब हम एक कपड़ा निकालते हैं तो पूरी थप्पी गिरने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम फर्स्ट शेल्फ से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फर्स्ट शेल्फ में डॉक्टर की फाइल रखी है, मेडिसिन बास्केट है, एसेसरीज और ग्रूमिंग किट। अब हम वन बाय वन इसे देखेंगे। ग्रूमिंग किट में जो डेली बेसिस पे मुझे सामान चाहिए वो सब मैंने इसमें रखा है। दूसरी है एसेसरी किट। एसेसरीज में दोस्तों मुझे इतना खास सामान नहीं चाहिए, जो टाई है, बो है, बेल्ट है, गॉगल्स है, वो मैंने यहाँ रखे हैं, इसलिए मैंने इसके लिए छोटी बास्केट ली है। और थर्ड है मेडिसिन की बास्केट। दोस्तों, हमारी मेडिसिन से हमेशा बच्चों की मेडिसिन हमें अलग रखनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेकंड शेल्फ को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने फुल स्लीव्स की टी शर्ट की एक बास्केट रखी है और एक बास्केट सॉक्स और नैपकिन की है। तो चलिए अब हम पहले फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स में देख लेते हैं। मैंने इस तरह से टी शर्ट्स को फोल्ड करके अरेंज करा है, जहाँ मैंने एक साइड न्यू टी शर्ट्स का कलेक्शन रखा है और एक साइड रूटीन बेस्ड टी शर्ट का कलेक्शन रखा है। और दूसरी तरफ इस बास्केट में मैंने कुछ इस तरह नैपकिन्स को फोल्ड करके रखा है और इस तरह सॉक्स को रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब थर्ड शेल्फ की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ फर्स्ट बास्केट में मैंने इसके पैंट्स भी रखे हैं, फुल पैंट्स और फुल ट्रैक्स। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ मैंने पैंट्स रखे हैं और एक तरफ मैंने ट्रैक्स रखे हैं। ट्रैक्स के भी मैंने कुछ इस तरह से दो लेयर्स करे हैं, तो एक लेयर के नीचे दूसरा लेयर है ट्रैक्स का। और दूसरी बास्केट में है अंडरगारमेंट्स, जिसमें मैंने अभी विंटर की वजह से थर्मल्स भी रखे हैं। आप इसमें भी चाहें तो दो लेयर्स कर सकते हैं। और यहाँ नीचे की बास्केट में मैंने डायपर्स और वाइप्स रखे हैं। चलिए तो अब लास्ट शेल्फ को हम देख लेते हैं। यहाँ एक बास्केट में मैंने एक तरफ नाइट सूट्स रखे हैं और दूसरी तरफ जैकेट्स रखे हैं। और इस तरफ मैंने कुछ लेयर सिस्टम में कपड़े रखे हैं, जिसमें कि वेस्टकोट, शर्ट्स और कुछ ट्रेडिशनल कपड़े हैं, तो वो मैंने इस तरह से रखे हैं। आप चाहें तो इसे हैंग भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ डोर पे मैंने एक हुक लगाया है जिसे मैं बैग हैंग करने के यूज़ में लेती हूँ। आप चाहें तो दूसरा सिस्टम इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों की हैंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा डेली रूटीन किड्स क्लोजेट ऑर्गेनाइज़र। चलिए अब हम दूसरा कबर्ड देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मेरे पास में फोर शेल्फ्स हैं। तो सबसे पहले नीचे के शेल्फ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बास्केट में हाफ स्लीव टी शर्ट्स रखी है। फ्रेंड्स, ये मोस्टली हम समर्स में यूज़ करते हैं, तो सीज़न वाइज मुझे सिर्फ बास्केट एक्सचेंज करनी रहती है दोनों कबर्ड्स में। और दूसरी तरफ यहाँ मैंने एक्स्ट्रा आइटम्स मैं रखती हूँ, जिसमें मेरे एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं, सॉक्स हैं, नैपकिन्स हैं, ये सब चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ। सेकेंड शेल्फ में यहाँ मैंने शॉर्ट्स रखे हैं।
आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से फोल्ड किया है। और इस बास्केट में मैं एक्स्ट्रा ग्रूमिंग का जो सामान है वो रखती हूँ। यहाँ थर्ड शेल्फ में एक बास्केट में मैंने एक्स्ट्रा टॉवल्स रखे हैं और जो समर्स में हम ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं वो रखे हैं। और यहाँ मैंने उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट बास्केट ली है ताकि ये मुझे दिखते रहें। आप चाहें तो इसमें लेयर सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं फोल्डिंग की। और उसके ऊपर मैंने ये डायपर एक्स्ट्रा रखे हैं। और फ्रेंड्स, इस लास्ट शेल्फ में ये ट्रांसपेरेंट बास्केट में मैंने ट्रैवलिंग पाउचेस रखे हैं और इस तरफ मैंने स्विमिंग पाउच रखा है जो कि जिसमें कि एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम है और एक ट्यूब है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक ट्रैवलिंग किट और एक बैग मैं हमेशा मेरे सन के साथ में कैरी करती हूँ। और इस तरह से एक प्लास्टिक बैग भी हमेशा मैं उसके साथ में कैरी करती हूँ ताकि जो भी कोई स्पॉइल्ड क्लोथ्स हैं या गीले कपड़े हैं तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और दोस्तों, ये अगेन एक डोर पे मैंने हुक सिस्टम लगाया है जहाँ पे मैं जो भी एक्स्ट्रा इसका बैग है वो हैंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में ज़रूर शेयर करें। आगे और नए मज़ेदार वीडियोस के साथ में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।